بسم الله الرحمن الرحيم अलहमदिल्हरबमी بعد आलसदिल्बिया بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बीसवें पारे का मुख्तसर सा खुलासा पेश किया जा रहा है बीसवें पारे में सूरतुल कसस और सूरा अल अनकबूत मौजूद हैं कसस किस्सों की जमा कसस है ना किस्सा तो समझते हैं दरअसल कसस के अंदर अम्बिया के वाकयात बयान किए गए का नाम जो है अल्लाह तबारक ने इसके जो इब्तदाई आयतें में मूसा अली सलाम और उनकी पैदाइश का खासतौर से शुरुआत में तस्करा किया अल्लाह ने जिस तरह देखिए आयत नंबर सात में जिक्र किया है सिचुएशन पहले जान लीजिए फिर और मूसा सलातम का वाकया तो हम में से अक्सर लोग जानते ही हैं कि फिरऊन के नजूमी जो थे उन लोगों ने कहा कि एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है और वो बच्चा पैदा होगा तो आपकी सल्तनत के लिए खतरा है और उस बच्चे की पैदाइश बनु इसराइल में होगी बनु इसराइल मिस्र के अंदर यूसुफ फ अलीसलातलाम तो के दौर में चले गए थे मैंने यूसुफ अली सलाम की स्टोरी में बताया कि यूसुफ अलीसलातम तो ने अपने भाइयों को माँ बाप सबको बुला लिया था यूसुफ अली अलीसलातलम तो के दौर में और फिर उनके बाद जो है बन इसराइल बड़े अच्छे पोस्ट पर रहे लेकिन बाद में दूसरे लोग आए उन लोगों ने धीरे 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 इनको पोस्ट से हटाना शुरू किया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब ये फिरौन आया जो मूसा सलाम के दौर में था इसने क्या किया कि इनको गुलाम बना लिया बायदा इनको गुलाम बना लिया हम मिस्र वाले ये बाहर से आए हुए लोग इनको गुलाम बना लिया यानी इनसे गुलामी का काम लिया जाता था नौकर चाकर उनके घरों में काम किया करते थे बनू शराइ सोचिए यूसुफ अली सलात के दौर में जो इनको मकाम हासिल हुआ वो छिन गया जो है और फिर ये लोग जहां हाकिम थे वहां महकूम बन गए तो अब ये सब गुलाम हैं नजूमियों ने खबर दी बादशाहों के दरबार में नजूमी होते थे और उनका कनेक्शन जो है शैतानों से होता था शैतान जो है आसमानों पर जो गुफ्तु होती थी उसको थोड़ा सा सुन करके जादूगरों को नजूमियों को बताते थे नजूमी अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाकर पेश करते थे आप अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई आप सल्लम को जब नबूत मिली तो ये चीज़ बहुत हद तक कम हो गई यानी शैतान बिल्कुल आसमान के करीब नहीं जा सकते रुजू शैत आप मुल्क पढ़िए उसके अंदर इस वाकई का तस्करा है मुल्क के अंदर कि अब शैतान जब करीब जाते हैं तो ये सितारे टूटकर उनके ऊपर गिरते हैं मारने के लिए उनको तो ये जो नजूमियों को खबर मिली ना वो शैतानों के जरिए से मिली तो बहरहाल ये खबर मिलने के बाद कि बनू इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो मेरी सल्तनत को तबाह कर देगा उसकी वजह से मेरी तबाही होगी फिर ऑन ने हुक्म क्या दिया कि जितने बच्चे पैदा हों लड़के पैदा हों बनी इसराइल के अंदर उनको खत्म कर दिया जाए अब बहुत सारे बच्चे खत्म हो गए इसी सिचुएशन में मूसा सलाम की पैदाइश हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी सिचुएशन में उन्हीं हालात में ये बात कही है कि वो उपहिना इला अम्म मूसा अं अरज़गीही, فإذا خفتَ عليهِ فَألقِهِ في الْيَمِمِ ولا تخافِ ولا تحزني إن رادُوهُ إليكِ وجعلوهُ من المرسلين. अल्लाह ने कहा, हमने मूसा लिसलातु सलाम की माँ को वही की, मतलब दिल में बात डाली. वही का मतलब ये नहीं कि ज़िब्रल लिसलातु सलाम को भेज. वो तो नबियों के पास हो नबियों वाली वही अलग है और ये दिल में बात डालना अलग है इससे मालूम हुआ कि अल्लाह करामत जो है करामत जहां मर्दों पर जाहिर करता है वहां औरतों पर भी जाहिर करता है इनकी माँ औरत थी नबी के अलावा किसी पर कोई खास चीज जाहिर हो अल्लाह ताला की तरफ से तो वो करामत कहलाती जिसे साहब कराम की जिंदगी में हमको देखने को मिलता है करामत तो मूसा सलातम की माँ को अल्लाह ने वही की कि इसे दूध पिलाती रहे और जब तुझे इसके मुतालिक कोई खौफ मालूम हो तो उसे दरिया में बहा देना है ना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी एक माँ से कहा जा रहा है अभी दूध पीता बच्चा अभी चंद दिन पहले उसकी पैदाइश हुई है डेरी सहमी है कि कहीं फिराउन के बंदे आए और बच्चे को छीन करके मार ना दें ऐसी सिचुएशन में अल्लाह ने दिल में बात डाली कि तुम्हें खौफ खाने की जरूरत नहीं है आराम से बच्चे को रखो और हां जब तुम्हें खतरा महसूस हो कि आ रहे हैं छीनने के लिए बच्चे को तो क्या करना दरिया में बहा देना है ना और कोई रंज गम ना करना अल्लाह ने साथ यह भी कह दिया हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं हम लौटाने वाले हैं यानी हम ये वादा करते हैं हम ये लौटाने वाले हैं ये बात तुम याद रखना इस बच्चे को हम कुछ नहीं होने देंगे और हाँ उसे अपने पैगंबरों में भी बनाने वाले हैं खाली लौटाने वाले नहीं है लौटाएंगे भी और अपने पैगंबरों में भी बनाएंगे ये बात तुम याद रखना फिर उसके बाद किस्सा मुख्तसर हम जानते हैं मूसा सलाम की वालदा ने बच्चे को टोकरी में रख करके दरिया नील के बहाव पर छोड़ दिया अब छोड़ तो दिया लेकिन माँ है दिल नहीं मान रहा है अगली के है, आयत के अंदर मौजूद है ग्यारह नंबर आयत के अंदर मूसा लल सलात की वालदा ने उनकी बहन से कहा उनकी बहन भी बड़ी नहीं थी बहुत ज्यादा लेकिन अल्लाह तला की मर्जी कहा बहन से मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कि तुम पीछे पीछे जाओ देखो तुम्हारा भाई उसमें है ना पीछे पीछे जाओ देखो तो वो जासूस की तरह बिल्कुल पीछे गई यानी लोगों को ऐसा ना लगे कि वो टोकरे के पीछे पीछे जा रही हैं बस इस अंदाज से पीछे पीछे देख रही थी कि हाँ वो टोकरा देखिए तैरते हुए जा रहा है और फिर उसके बाद जब फिरौन के महल के पास से गुजरा तो फिर फिरौन के बंदों ने निकाला और आसिया जो फिरौन की बीवी थी बहुत नेक थी साल थी बहुत अच्छी थी उनके पास मुसाल सलातोसलाम पहुंचे फिर ओन को पता चला तो फिर ओन आया बोला हम तो बच्चों को मार रहे हैं तुम बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके ला रही हो ला को मार दे आसिया ने कहा नहीं नहीं ये बच्चा तो मुझे दरिया से मिला है तुम्हें जो बच्चों को खतरा है वो तो बनू इसराइल के बच्चों को खतरा है ये दरिया में बच्चा जा रहा था मैंने निकाला है इसीलिए इसको मत मारो और देखो इसे कत्ल मत करो ये तो हमारी आंखों की ठंडक बन सकता है हम इसकी परवरिश करेंगे हम उसको पाल लेंगे यहां कमाल की बात क्या है ना सोचने की कि फिरओन मान गया अल्लाह ताला की मर्जी थी बेशक लेकिन जो है फिर मान गया है ना यानी कि अपनी बीवी की बात रख ली हम में से कितने लोग हैं बहुत सारे लोगों की शादियां तो नहीं हुई हैं, लेकिन कितने सारे लोग दुनिया में रहते हैं बीवियों की बात बोले तो ना ही रहती है नहीं मानते अच्छी हो बुरी हो बहरहाल बात मान ली सलाम की परवरिश जो है वो फिरा के महल में होने लगी किस तरीके से अब दूध पिलाने की बारी जब आई अब जैसे बादशाह के घर में एक बच्चे की पैदाइश एक, एक बच्चे की परवरिश होने वाली है और यूं समझ लीजिए कि आसिया रानी मां की महारानी है फिरा महा वहां का बादशाह है तो तमाम दाई माँ को बुलाया गया दूध पिलाने के लिए मूसा अलीसलात सलाम किसी की तरफ देखते ही नहीं थे किसी का दूध नहीं पी रहे थे और फिर उसके बाद इनकी बहन जो पीछे पीछे देखते हुए गई थी उन्होंने कहा कि मैं एक दाई माँ को जानती हूं अगर आप लोग कहो तो दाई माँ को बुला लो कहा बेशक गई वालदा को बुला कर लेकर आई लेकिन यह नहीं बताया कि मैं इसकी माँ हूं ये मेरा बेटा है नहीं और फिर उसके बाद जो है मूसा सलाम फौरन इनका दूध पीने लगे इनकी गोद में आ गए सुकून से आराम से माँ है ना एक बच्चा माँ के लम्स को समझता है माँ के टच को समझता है बात अच्छी तरीके से जानिए अब दूध पीता बच्चा है ना कितना भी चीख रहा हो माँ जब उठा लेती है ना तो बच्चा खामोश हो जाता है वहीं कोई, कोई दूसरा उठाए तो फिर भी चीखता रहता है चीखता रहता है, है। यानी वो माँ के जो है लम्स को माँ की गोद को माँ के हाथों को अच्छी तरीके से पहचानता है तो मुसाली सलातोसलाम जो है अच्छे तरीके से इनकी गोद में आ गए अब मूसा अली सलात तो सलाम की परवरिश करती थी तनख्वाह भी लेती थी अपने बच्चे को निगाहों के सामने भी रखती थी खिलाती पिलाती थी सब कुछ अल्लाह रबूल आलमी ने देखो इनकी गोद में वापस लौटा दिया इनका बच्चा और ऊपर से ऊपर से शाहाना टाइप की जिंदगी बादशाह के महल में परवरिश हो रही है किस्सा मुख्तर ये कि मूसा अली तो सलात जब बड़े हो गए तो जाहिर सी बात है मूसा अली तो सलात बनु इसराइल का साथ देते थे फिर उनका साथ नहीं फिर की सही औलाद थोड़ी थे वो हमेशा बनु इसराइल का साथ देते थे और बनु इसराइल के साथ ही रहते थे अपनी वालदा के साथ अपनी वालदा के साथ रहते थे एक मरतबा क्या हुआ बस्ती के अंदर एक मूसा के खानदान का बनु इसराइल का एक बंदा और फिरौन के खानदान का एक बंदा लड़ाई लड़ रहे थे मूसा का गुजर उधर से हुआ तो बनु इसराइली ने मूसा आवाज दी कि भाई देखो मुझसे लड़ रहा है जरा मदद करो मेरी मूसा अली सलात जो है लड़ने के लिए गए अब वो छुड़ाने के चक्कर में दोनों नहीं छोड़ रहे थे वो जो है फिरौनी जो था फिरौन के खानदान को वो ज्यादा जरा बढ़ चढ़ करके आ रहा था सत्ता होती है ना तो गर्मी आ जाती आज भी हम देखते हैं है ना जरा अपनी हुकूमत हो तो गर्मी बहुत ज्यादा आ जाती तो बार बार अंग पर आ रहा था मूसा अलैहिस्सलाम छुड़ाने के लिए एक घूसा उसको मार दिया अब एक घूसा मारे तो मर ही गया वो मर गया मूसा अलैहिस्सलाम ने

गलती हुई गलती की फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगी अच्छा अब जो है भाई वो बंदा जो लड़ रहा था तो भाग गया भी वहां से निकल लिए लाश वहां पर पड़ी रही फिर फिरौन के बंदे जाए क्योंकि फिर ही मारा गया है पता लगाने लगे कौन मारा कौन मारा कौन मारा कौन मारा पता नहीं चल रहा था पता नहीं चल रहा था लेकिन फिर उसके बाद दूसरे दिन मुसा अलीसलातलम फिर जब निकले तो फिर ये उनके खानदान का बंदा बनू इसराइली फिर किसी से लड़ रहा था फिर किसी से लड़ रहा था और कहने लगा कि आओ फिर मेरी मदद करो अब मुसा अलीसलातलम को गुस्सा आया ये बार बार लड़ रहा उसकी तरफ बड़े गुस्से से रोजाना देखो कल भी झगड़ा कर रहा था इतनी बड़ी गलती हो गई आज फिर झगड़ा कर रहा है अब वो समझा जो है कि मुझे मारने तो नहीं आ रहे मूसा का अरे कल जैसा उसको मारे थे मुझे तो मारने नहीं आ रहे अब वो फिरौनी जो फिर उधर लड़ रहा था दूसरी तरफ उसको पता चल गया किसका मतलब कल जो हुआ था वो इन किए थे उसको पता चल गया अब वो जाकर के के पास बता दिया कि मूसा मारे थे हमारे बंदे को अब वहां प्लान हो गया ऑर्डर हो गया फिर मूसा को पकड़ करके सूली पे लटका दिया जाए कतल कर दिया जाए मूसा को लेकिन एक खास बंदा था फिर महल में भी देखो अल्लाह रबुल आलमीन जहां चाहे अपने बंदों को पैदा कर सकता एक अच्छा आदमी था वो भागते हुए आया वो शहर के किनारे पर दौड़ते हुए कहने लगा ए मूसा यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं पस तू बहुत जल्द चला जाए यहां से मेरी नसीहत मान यहां से भाग लो तुम निकल लो यहां निकल लो मूसा सला तो सलाम मौका अच्छा देखे वहां से निकल लिए फ़रा जमीन हाँ फन कि ये लोग पकड़ लेंगे अगर जो तो मुझे कतल कर देंगे मूसा से भागे भाग, भाग करके कहाँ पहुंचे मदियन पहुंचे मदियन बहुत दूर दूसरा शहर दूसरा इलाका मदियन जाकर पहुंच गए जहां ना कोई इनका जानने वाला है पहचानने वाला नहीं कोई रिश्तेदार नहीं कुछ भी नहीं मदियन जाकर पहुंच गए अब वहां जो है एक ऐसा झाड़ है गांव का इलाका है झाड़ है वहां जाकर बैठे हुए हैं आयत नंबर तेईस से ये वाकई का तस्करा मिलता है कि वहां बैठे हुए हैं तो थोड़ी देर के बाद देखा कि बहुत सारे लोग बकरियां चरा करके लेकर आए और वहां जो है कुआं है वो पत्थर हटा करके जो है वो लोग पानी पिला रहे हैं पत्थर हटा करके पानी पिला रहे हैं पानी पिला करके जो है वो लोग बहुत भीड़ थी वहां पर बहुत सारे लोग बकरी चराने वाले थे वो जो लोग आए पानी पिलाए चले गए फिर उसके बाद जो है पत्थर वैसे ही रख दिया उसमें दो बच्चियां भी थी वो अपने बकरियों को लेकर पीछे बिल्कुल ठहरी हुई थी पीछे बिल्कुल तो मूसा सला तो सलाम उनके पास पहुंच गए और कहा क्या बात है तो वो लोग कहने लगी कि हमारे वाली साहब बहुत बुजुर्ग हैं वो नहीं आ सकते हमारी हेल्प के लिए और हम बच्चियां हैं तो इसके वजह से हम लोग जो है पीछे रहते हैं यानी उनके कहने का मतलब था कि बच्चिया हम उसमें जाएंगे मर्दों में खल तमल तो होगा तो अच्छा नहीं है इसलिए हम यहाँ ठहरे हुए हैं वो लोग जब चले जाएंगे तो हम लोग अभी बचा कुछा पानी जो है पिला लेंगे अब बच्चियां थी तो वो पत्थर तो नहीं हटा सकती थी जो मर्द लोग हटा करके पिला कर लेकर ले चले गए वो नीचे पानी जो इधर उधर पत्थरों पर स्टोर रहता है इधर उधर गड़ों में वो पिला कर लेकर चली जाएंगी उनके कहने का मतलब था बहरहाल मूसा सला सलाम क्या किए की उनकी हेल्प किए जाकर के वो पत्थर हटा दिए पानी निकाल करके उसके बाद जो है वो लोग पानी पिला ली उसके तो बाद तो पत्थर मूसा सलाम उसे रख दिए और जाकर एक झाड़ के नीचे बैठ गए और झाड़ के नीचे बैठने के बाद कहने लगे और फकीर ए तू जो कुछ में जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे में उसका मुहताज हूं दुआ करने लगे कि जो कुछ भलाई जो भी भलाई जैसी भी भलाई भलाई बोले तो हर भलाई जो भी भलाई तू तो मेरी तरफ नाजिल नाजिल करे मैं बड़ा मोहताज हूं फकीर हूं बिल्कुल मुसाफिर हूं कोई जानने पहचानने वाला नहीं है ना घर है ना यहां पर कोई जानने पहचानने वाला है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है अच्छा ये दुआ करने लगे इस दुआ की बरकत से देखो क्या क्या मिला उनको ये दुआ बहुत प्यारी है हमेशा इस दुआ को पढ़ते रहना चाहिए है ना इन्नी लिमा इन इलैया मिन इन फकीर ये दुआ हमेशा पढ़ते रहना चाहिए इस दुआ की बनिस्बत या इस दुआ के बदले में इस दुआ के करने से मूसा सलात को क्या क्या मिला वो देखो वो दो बच्चियों में से एक बच्ची शर्माते हुए आई खास तौर से कुरान में तस्करा है फजा अतदाह हु मा तमशी अलस्तिया हया को संभालते हुए हया के साथ शर्माते हुए वह बच्ची आई यानी औरतों के अंदर हया का होना बहुत जरूरी है एक बात जान लो कि जिस लड़की के अंदर जिस औरत के अंदर हया ना हो वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो वो बदसूरत होती है हया औरत का जेवर है उससे खूबसूरत जेवर कुछ हो ही नहीं सकता औरत का सबसे खूबसूरत जेवर जो है वो हया है शर्म है और वही ना हो तो वो बेश है कोई मतलब नहीं वो करोड़ा के गहने पहन ले कितना भी खूबसूरत ना हो कोई मतलब नहीं होता है तो उनमें से उन दो बच्चियों में से जिनको पानी जिनके बकरियों को पिलाया था उनमें से एक चलती भी आई कहने लगी कि हमारे अबू जी आपको बुला रहे हैं आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया ना उसकी उजरत देने के लिए आपको बुलाए उजरत देने के लिए है ना मालूम क्या हुआ कि ऐसा भी होना चाहिए कि कोई आपकी मदद करे तो अगर जरूरत महसूस हो आप देख रहे हैं तो उसको दे देना चाहिए जेब से निकाल करके है ना उस लायक लाए तो उसको देना चाहिए खाली जजाकल्ला से काम नहीं चलाना चाहिए बल्कि क्या है बुलाए कि हमारे वाली साहब आपको बुला रहे हैं को पिलाए ना तो उजरत देने के वास्ते और फिर उसके बाद मूसा सलातम पहुंचे वहां पर मूसा सलाम जब पहुंचे तो वो बुजुर्ग से मुलाकात हुई दोनों बच्चियों के वाली साहब से बासफरीन कहते हैं वो शोएब अली सलाम थे लेकिन बहुत सारे सरीन कहते हैं कि नहीं अली शोबली सलाम का दौर बहुत अलग है और मूसा सलाम का दौर बहुत अलग है हो ही नहीं सकता मुमकिन ही नहीं है लेकिन जो भी है एक बुजुर्ग थे अब वो अली सलाम थे कौन थे अल्लाह बेहतर जानने वाला है कुरान ने तो सिर्फ जो है जो जिक्र किया है वो क्या जिक्र किया है शेख है ना बुजुर्ग कोई नाम वगैरह का तस्करा कुरानी नहीं किया तो दोनों बच्चियों के वाली साहब से मिले और वाली साहब से मिलने के बाद पूरी स्टोरी बयान किए कि मैं ऐसा मिस्र का रहने वाला हूं ऐसा ऐसा वाकया हो गया इसीलिए मैं यहां पर चला आया हूं तो उन दोनों बच्चियों में से जो है वाली साहब तो पहले बोले देखो बेटा आप घबराओ नहीं डरने की जरूरत नहीं है अल्लाह तला ने आपको जालिम कौम से नजात दी है वो मुसलमान थे माहिद थे और जैसा कि बाज मुखसरीन ने कहा सलाम थे नबी थे तो कहा कि जालिम कौम से अल्लाह ने नजात दी है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोनों बच्चियों में से एक बच्ची ने कहा कि अब्बा जी आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए क्योंकि आप जिनको भी मजदूरी पर रखेंगे वो अमानतदार होना चाहिए अच्छा होना चाहिए मेहनती होना चाहिए और हमने देखा है बहुत शरीफ भी हैं और मेहनती भी हैं ताकतवर हैं इसलिए आप इनको मजदूरी पर रख लीजिए हमारे पास ना कोई भाई है और आप बुजुर्ग हैं हम बच्चियां हैं <coughs> तो इसीलिए एक मजदूर होना जरूरी है तो वो बुजुर्ग देखिए बुजुर्ग देख बुजुर्ग कहने लगे ऐसा नहीं कि डायरेक्टली नौकरी पर रख लिया बल्कि कहा देखो बेहतरीन चीज उस उन बुजुर्ग जो थे उन्होंने कहा कि अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की का निकाह मैं आपसे करना चाहता हूं एक लड़की का निकाह आपसे करना चाहता हूं इस मेहर पर यानी मेहर में देने के लिए आपके पास तो कुछ नहीं है मेहर में आप क्या देंगे आठ साल तक आप मेरा काम काज संभालेंगे जो भी है मेरे पास काम काज बकरिया चराना या खेती बाड़ी करना देख रेख करना आठ साल तक आप मेरा काम काज संभालेंगे अगर दो साल और लगा दिए आपने दस साल पूरे किए तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन मेरा जो आपसे है वो सिर्फ आठ साल का है वो सिर्फ आठ साल का है मुशा सला सलाम ने दस साल पूरे किए थे है hey, ना उनके ससुर जी जो थे वो सिर्फ आठ साल की बात किए थे और दो साल बोले थे अगर आपकी मर्जी होगी तो मुसाला सलातलाम दस साल वहां पर रहे थे तो अब देखिए दुआ की बरकत से क्या हुआ निकाह हो गया बीवी मिल गई है ना बीवी मिल गई और नौकरी भी मिल गई माशाल्लाह घर मिल गया है नहीं एक शफीक वाली साहब की तरह जो है बुजुर्ग मिल गए वहां पर और फिर उसके बाद मुसाला सलातम वहां पर रहने लगे पूरे दस साल मुकम्मल करने के बाद मूसा फलम्मा कदा मूसल अजल वो सलाम मुद्दत पूरी करके दस साल बिताकर अपनी बीवी को लेकर के जब चले तब रास्ते में अल्लाह रबालमी ने वो तूर वाली बात वाकया इससे पहले मैंने जिक्र किया है कि तूर के पास एक आग दिखाई दी बीवी से कहा कि बैठो सर्दी का मौसम है जरा मैं आग लेकर के आता हूं अगर आग नहीं भी मिली तो कोई आदमी होगा रात का समय है उससे एड्रेस पूछ लूंगा और वहां पर गए तो अल्लाह रबुलआलमीन ने आवाज दी कि मूसा इस पहाड़ पर जो है जूते निकाल करके आओ ये मुकद्दस वादी है और मैं अल्लाह बात कर रहा हूँ वहां अल्लाह ताला ने गुफ्तु की और नबूवत अता की असा दिया ये बेजा दिया और फिर उसके बाद नबूवत दी और कहा कि जो है अब जाओ फिर उनको समझाओ है ना वहां पर मूसा अली सलात बोले कहने लगे कि बारी ताला अल्लाह ताला बात यह है कि ठीक है मैं वहीं जा रहा था लेकिन मैं एक बंदे को मेरे हाथ से कतल हो गया था वो लोग कहीं ऐसा ना हो कि पहुंचते ही पकड़ करके मुझे सूली पर चढ़ा दें उसका बदला लें तो अल्लाह आलमीन ने कहा तुम्हारी हिफाजत करने वाले हम हैं तुम जाओ और मूसा अलैहि सलातो सलाम ने फिर कहा कि आ, मेरी जबान में लुकनत है सही से बोल नहीं पाता हूँ बानसरी ने जिक्र किया है कि फिरौन ने दरअसल बचपन में इम्तिहान लिया था इम्तिहान यह लिया था कि मेरे घर में एक बच्चा पल रहा है किसका बच्चा है कहाँ से आया नहीं मालूम कहीं ये वही बच्चा तो नहीं कि जो बड़ा हो के मुझे खत्म करेगा जिसकी वजह से मैं खत्म हो जाऊंगा मेरी बादशाहत खत्म हो जाएगी तो उसने इम्तिहान लेना चाहा उसने एक तरफ अंगारा रखा था और दूसरी तरफ खाने पीने की चीजें रखी थी मूसा मुसालीसलातलम होशियार थे बचपन से खाने पीने की चीज़ें की तरफ ही जा रहे थे लेकिन जिबरी अलीसलातम ने उनका रूट जो चेंज करके अंगारों की तरफ कर दिया था ताकि फिर उनको शक ना हो और उन्होंने अंगारा मुंह में रख लिया था उठा करके तो जिसकी वजह से जबान थोड़ी सी जल गई थी बचपन में तो इसीलिए बोलते तो थे इल्म बहुत था नबी अल्लाह रबूल आलमी ने नबी नबी बनाया इलिम तो था मगर बोलने में थोड़ा साफ बोल नहीं पाते थे है ना इससे एक बात मालूम होती है कि बहुत सारे इल्म वाले होते हैं बड़े बड़े इल्म वाले होते हैं लेकिन बोलना सही से नहीं आता है इल्म होता है बहुत होता है बहुत होता है मगर बोलना नहीं आता बोलना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास नेमत होती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन नायब फरमाता है जान लो तो मूसा सलाम ने कहा कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है और वो अखी हारून हुआ अब लिसानन और मेरा भाई हारून अली सलाम मुझसे ज़्यादा फसी ज़बान वाला है ज्यादा अच्छे तरीके से बोलता है इसीलिए उसको भी हमारे साथ नबी बना दीजिए ये जिम्मेदारी उसको भी दे दीजिए हालांकि हारून अली सलाह तो सलाम बड़े थे यहाँ एक बात बताऊँ दुनिया के अंदर आज तक आज तक किसी छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को इतना फायदा नहीं पहुंचाया होगा कि जितना मूसा अलीसलाम ने अपने बड़े भाई हारून अली सलाम का फायदा पहुंचाया इनके कहने पर नबूत मिली अनुभवत कोई यूं ही कोई चीज तो जोडी मोटी है नहीं है नहीं कि यूं हो गया यूं हो गया अब सोचो क्या पूरी दुनिया के अंदर जब से दुनिया बनी है इनसे बढ़कर अपने भाई के लिए खैर और अपने भाई के लिए बेहतरीन सोचने वाला कोई हो सकता है ना तो इनकी वजह से हारून अली सलाम को मिली फिर दोनों लोग गए और फिर उनके दरबार में जो है दावत दी और पूरा वाकया हम सबको मालूम ही है है ना पूरा वाक्य बताना मकसद नहीं था वो इब्तदाई चीज़ें बताना जरूरी था तो सुरतुल्कस के अंदर मूसा सलाम का तस्करा है फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह जिक्र किया है आयत नंबर पचपन के अंदर कि देखो जब कोई कोई गलत काम हो आपको कुछ कोई आदमी गलत बोले कोई आदमी आपको बुरा बोले तो बेशक आप कोशिश करो कि अगर ताकत है तो बुराई को अच्छाई से बदल दो बुराई को अच्छाई से बदल दो बुरी चीज़ को कोई गंदा आपको बोल रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप उसके बदले में आप भी गंदा ही बोलो गाली के बदले में आप भी गाली दो बल्कि खामोश रहना भी बहुत बड़ी चीज है हाँ खामोश रहना भी बेहूदगी पर खामोशी अख्तियार करना भी बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़े दिल की बात है हमारे पैरेंट भी वसल्लम को मक्का वाले क्या नहीं कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वाले क्या कहते थे मिन सालिक कहते हुए अजीब सा लगता है नबी के वो लोग कहते थे ये देखो पागल जा रहा ये देखो दीवाना जा रहा ओहो, ये नबी होने का दावा कर रहे हैं देखो भाई वो है। मगर आपसलम यूं ही ऐसे गुजर जाते थे कुछ भी नहीं कहते थे हम उन्हीं नबी की उम्मत हमें भी चाहिए कि हम भी बर्दाश्त करना सीखें अल्लाह रबी ने यहां पर कहा नंबर पचपन के अंदर और जब बेहूदाबाद वो इदा और जब बेहूदाबाद कान में पड़ती है जो नेक लोग होते हैं अच्छे लोग होते हैं उनकी सिफत का तस्करा करते हुए अल्लाह ने फरमाया जब बेहूदाबाद कान में पड़ती है तो उससे किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं हमारे अमल हमारे लिए तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए तुम पर सलाम हो हम जाहिलों से नहीं उलझते हाँ कुछ भी बोल लो हम जाहिलों से नहीं उलझते हाँ बुरी चीज है हम उसको बुरा समझते हैं हम बोल दिए आप फिर भी वही कर रहे हो फिर भी हमको गलत बोल रहे हो अस्सलाम वालेकुम ठीक है हमारी जिम्मेदारी थी आपको बोलना हमने बोल दिया बाकी आप जानो और आपका काम जाने अल्लाह ताला जाने हमारा अमल हमारे साथ आपका अमल आपके साथ कह करके गुजर जाते हैं उसमें उलझते नहीं हैं ये अच्छे लोगों की सिफात का तस्करा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया फिर उसके बाद सूरतलकसद के अंदर आयत नंबर के ने कारून का वाकया बयान किया है कारून बोले तो मूसा सलाम के ही दौर में एक बहुत अमीर तरीन आदमी था उसके खजाने इतने थे कि आज अंबानी हो या बिलगिट्स हो या बड़े बड़े लोग हैं उसके सामने पानी भरना उसके सामने कुछ भी नहीं उसके पास जो खजाने थे ना खजाने रुपया पैसा नहीं सोना इतना ज्यादा था कि बहुत मजबूत जमात बाज जगहों पर लिखा चालीस खच्चरों पर खाली उसकी चाबियां ला दी जाती थी कुंजियां खच्चर बोले तो जो घोड़े से छोटा गधे से थोड़ा बड़ा जानवर होता है पहले एक जानवर ही चलते थे लोड वगैरह उठाने के लिए तो उन पर उसकी किचन चाबियां उसके जो है की वगैरह लोड किए जाते थे उतना सारा खजाना खा, नहीं वो चाबियां खाली लॉक की चाबियां है ना इतना खजानों का वो मालिक था अल्लाह अबूल ने उसको दे रखा था तो उसका वाकई अल्लाह ने जिक्र किया है कि एक दिन जो है वो अपने गुलामों के साथ अपने लोगों के साथ बन संवर करके खजानों के साथ निकला खजानों के साथ निकला और फिर उसके बाद अकड़ करके गुरूर के साथ दिखाते हुए लोगों को अल्लाह वालों ने उसको समझाया कि भाई तो ऐसा क्यों कर रहा है अल्लाह ने तुझे दिया है ना तो खर्च कर लोगों की मदद कर खाली दिखा क्यों रहा है लोगों को अपनी शान शान तो उसमें होती है ना कि आदमी खर्च करे बताए कि मेरे पास है वो शान क्या है जो अपने ऊपर आप खर्च कर लिए अपना पहनकर घूम रहे हैं अपना खा रहे हैं वो तो खा अपने आप को दिखा रहे हैं ना उसमें शान क्या खुद ही देख लो खाली खुद ही खा लो खुद ही पहन लो दूसरों को क्यों दिखा रहे हो अच्छे अच्छा लोगों के साथ अच्छा मामला करो और इस खजाने के बलबूते पर तुम्हारे पास पैसा है तो फसाद मत मचाओ है ना क्योंकि तो जिनके पास पैसा होता है फसाद वो ज़्यादा मचाते हैं ऐसा मत करो तो कानून कहने लगा कि ये जो तुम लोग समझा रहे हो मुझे ना कि अल्लाह ने दिया है तो अच्छा काम करो ये किसी ने मुझे दिया नहीं है मैंने अपने दिमाग से कमाया है आज भी लोग कहते हैं ना भाई ये दौलत अपने दिमाग से मुझे मिली है मेहनत किया है मैंने मेहनत तो मजदूर भी करता है फिर उसको पाँच सौ ही क्यों मिलते हैं हज़ार ही क्यों मिलते हैं बल्कि इन बड़े बड़े बिजनेसमैनों से ज़्यादा उसका खून पसीना बहता है फिर क्यों नहीं मिलता उसको क्योंकि अल्लाह रब्लॉमी किसी को क्या देता है किसी को क्या देता है वो उसके हक अख्तियार में है, है ना उसने तकसीम किया है कि उसको कितना मिलना चाहिए इसलिए जो मिले अल्लाह रबीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए तो क़ारून कहने लगा मैंने अपने दिमाग से हासिल किया दिमाग से और फिर उसके बाद ठाठ से निकला अब बहुत सारे लोग जो दुनिया च वाले थे जैसे हम लोग आज बोलते हैं कि क्या गाड़ी है भाई ऐसी गाड़ी होना क्या फून है भाई ऐसे फोन होना क्या बिल्डिंग है भाई ऐसे बिल्डिंग होना ऐसे बहुत सारे लोग उसको देख कर कहने लगे कि वाह जिंदगी तो इसकी है ऐसी ज़िंदगी हमको भी मिलना कितना खुशनसीब है ये ना इसके पास देखो ये सारी चीज़ें तो अच्छे जो लोग थे ईमान वाले थे वो लोग समझाने लगे कुछ भी नहीं है हमारे पास जो ईमान की दौलत है ना उससे बढ़ के उसके पास खाली दौलत है ईमान नहीं है अच्छा इंसान ही वो नहीं है दौलत रखकर क्या कर लेगा वो कब तक रहेगा अच्छा ये सब बातें हो रही थी फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमी ने क्या किया कि उसको उसके खजाने समेत धसा दिया जमीन में अकल कर चल रहा था ना गुरूर से अल्लाह ताला ने उसको खजानों समेत धसा दिया और अब तक भी धस्ता हुआ जा रहा है उन्होंने इस वक्त जब मैं बयान कर रहा हूं ना उसका तस्करा चल रहा है ना वो भी जमीन में धसता हुआ जा रहा है और नीचे और नीचे। तब से लेकर अब तक वो जमीन में अंदर ही अंदर जा रहा अब जब उसको धसा दिया गया तो जो लोग थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि ऐसी जिंदगी हमको भी होना वालों को बोलने लगे नहीं 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 अल्लाह ताला हमारी जिंदगी जैसी है बहुत अच्छी है उसके जैसी नहीं है बहुत अच्छा हुआ उसकी जैसी होती तो हम भी चले जाते थे उसके जैसी होती थी तो हम भी चले जाते थे।, तो थे जो जिंदगी हमारे पास है वो ज्यादा बेहतर है ज्यादा अच्छी है फिर उसके बाद सूरतुल अनकबूत सूराब यहां बीस पारे में मौजूद है सूरतुल अनकबूत अनकबूत के माने होता है दरअसल मकड़ी है ना स्पाइडर मकड़ी आगे तस्करा आएगा मकड़ी का अल्लाह ने किस जो है सिचुएशन में या क्या बात कही है मकड़ी के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तस्करा आगे आएगा में यहां शुरुआत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है सूरतबूत के अंदर वहां अल्लाह ने यह कहा है कि हमारी जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि हम यूं ही किसी को उठा कर दे दें हाँ ये बात हम सबको जान लेनी चाहिए हर मुसलमान को जान लेनी चाहिए कि जन्नत इतनी सस्ती अल्लाह ताला की नहीं है कि अल्लाह ताला यूं ही उठा करके दे देगा बल्कि अल्लाह ताला आजमाएगा बगैर इम्तिहान के बगैर आजमाइश के अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा और ये दुनिया वही आजमाइश की जगह है है ना दुनिया वही आजमाइश की जगह है वही इम्तिहान की जगह है अल्लाह ने फरमाया अं अं क्या लोगों ने यह गुमान कर रखा है क्या लोगों ने यह सोच रखा है कि उनके सिर्फ इस दावे पर हम ईमान लाए हैं हम उन्हें बगैर आजमाए हुए छोड़ देंगे खाली बस बोल दिए हम ईमान लाए मुसलमान हो गए बस काफी हाँ हाँ नहीं छोड़ने वाले इतने पर इतना एक्सेप्ट खाली नहीं है कि बस कह दिए ईमान बस अल्लाह आलमीन इसी पर जन्नत में दाखिल कर देंगे बल्कि अल्लाह ने फरमाया इनसे अगलों को भी हमने खूब जांचा है आजमाया है यक़ीनन अल्लाह ताला उन्हें भी जांच लेगा जो सच कहते हैं और उन्हें भी मालूम कर लेगा जो झूठ कहते हैं हाँ अल्लाह आजमाएगा कि हम ईमान लाए बोले ना तो इस दावे में कौन सच्चा है कौन कितने पानी में है कौन झूठा है बगैर इसका इम्तिहान लिए हुए जन्नत के अंदर दाखिला नहीं है खाली बोल दिए हम ईमान लाए बस अल्लाह जन्नत मिल जाएगी नहीं, नहीं 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 हम आजमाएंगे है ना हम आजमाएंगे प्यास दे करके कारोबार में कमी करके मुसीबत दे करके परेशानी देकर बीमारियां दे करके हर तरह आजमाएंगे वह बस शरीर सॉबरीन जन्नत की खुशखबरी उसके लिए है जो हर हाल में शुक्र गुजार बंदा बनकर दिखाए हाँ जन्नत उसके लिए साहब कराम को जब खूब आजमाया गया खूब आजमाया गया इब्तदाई दौर में जब इस्लाम नया नया आया और आप आपसल के हाथों पर लोग इस्लाम कबूल करना शुरू किए तो काफिरों ने इतना सताया इतना सताया कि पूछिए मत हमको अच्छी तरह मालूम है बिला रजी अल्लाह को रेत पर गर्म रेत पर लिटा करके बहुत बड़ा पत्थर रख देते सीने पर और धूप में ऐसे लिटा देते गले में रस्सी डाल करके मक्का की गलियों में खींचा जाता था बच्चे ऐसा खेलते थे उनके साथ जैसे छोटे छोटे कुत्ते बिल्लियों के साथ खेलते हैं। जानवर बना देते थे बास साहब कराम ऐसे थे कि उनको लिटा करके अंगार तैयार करते उसमें लोहा गर्म करते रॉड और फिर उसके बाद उनके पीठ पर रखते है ना उनके जिसम से जो चर्बी पिघल कर निकलती ना उससे वो रात ठंड थंड़, ठंडी होती थी यानी इतने सख्त आजाइश बास लोगों को सब मेट में लपेट करके धुआं देते थे है ना उसमें धुआं डाल देते थे तड़पते रहो ऐसी तकलीफ यहां तक कि बात साहब कराम अगर आप सल्लम के पास कहने लगे कि यार रसोल्लासम आखिर अल्लाह की मदद कब आएगी अल्लाह कब हमारी मदद करेगा इतने परेशान हैं हम लोग सल्लम ने कहा इतने से तुम घबरा गए ये तो कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुमसे पहले लोगों को गड़ा खोद करके उसमें ऐसा डाला जाता आधा ऊपर रखा जाता आधा गड़े में आरी लाकर आधो आधो से चीर दिया जाता था तुमसे पहले जो लोग थे लोहे की कंघियों से उनके गोश्त ऐसा निकाले जाते थे खींच खींच करके जिसम से है ना गोश्त पूरा निकल जाता था हड्डियां बाकी रहती थी इस तरीके से निकाला तड़पाया जाता था मगर फिर भी उन लोगों ने सबर किया और तुम अभी से घबरा गए तुम अभी से घबरा गए मैं ये बातें इसीलिए कह रहा हूं कि देखो बगैर इम्तिहान के आजमाइश के अल्लाह ताला की जन्नत मिलने वाली नहीं है अच्छा फिर उसके बाद सूरतुलनकबूत के अंदर अल्लाह ने जो मकड़ी का तस्करा किया है उसकी बात मौजूद है

और लोगों को माबूद बना रखे हैं मस्जिद में आए तो अल्लाह ताला के सामने सर झुका लिया जाकर दरगाहों पर भी सजदा कर लिए फला बाबा के पैरों में भी गिर गए जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा और लोगों को अपना कारसाज बना रखा है कि फला बाबा ऐसा करने वाले फला बाबा ऐसा करने वाले वो बेटा देने वाले वो बेटी देने वाले वो मुश्किल कुशा वो गरीब नवाज वो गंजब्श वो खजाने के मालिक जिन्होंने अल्लाह के सिवा औरों को अपना मददगार बना रखा है कि वो भी वो उनकी मिसाल एक मकड़ी की सी है हाँ जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को अपना माबूद बनाए बैठे हैं ना उनकी मिसाल क्या है मकड़ी के घर जैसी है मकड़ी का घर बड़ा मजबूत होता है नहीं मकड़ी का घर बड़ा मजबूत होता है? है नहीं नहीं बड़ा मजबूत नहीं होता जैसे छूते ही टच करते ही टूट जाता मकड़ी का घर उसको खुद सेफ नहीं कर पाता मकड़ी का घर हाँ जब कोई मुसीबत आती है ना तो घर छोड़ करके इधर उधर दीवारों पर और अगर झाड़ के नीचे बनाई हुई है तो झाड़ पर इधर उधर भाग जाती कोई चिड़िया अगर उसको खाने के लिए आई ना तो अपना घर छोड़कर उसको भागना पड़ता यानी जो घर वो बनाती है वो किसी मतलब का नहीं रहता खाली लटकी रहती है बस तो अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के सिवा औरों को कारसाज बनाए हुए हैं कि इनके बलबूते पर हम जन्नत में चले जाएंगे उनकी मिसाल ऐसे है जैसे मकड़ी का घर खाली बस बनाए हुए हैं उसका कोई मतलब नहीं है छूते तो कोई मतलब नहीं है है ना इतना कमजोर सहारा वो लिए हुए हैं इतना कमजोर वो लोग अल्लाह के बिल मुकाबिल खड़ा किए हुए हैं दूसरे को है अल्लाह मजबूत सहारा अल्लाह ने पैदा किया है अल्लाह रबुल आलमी जन्नत जानम हर चीज़ का मालिक है इसीलिए इबादत सिर्फ हर किस्म की इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए अल्लाह अल्लाह तौ तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तो फ़िरकत फरमाए